खुद को भगवान का अवतार बताकर लाखों भक्तों को ठगने वाले बाबाओं की कहानी कोई नई बात नहीं है भारत में, जिसमें राम रहीम, राधे माँ, आसाराम बापू जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन इन सब से ऊपर आता है नित्यानंद, जो खुद को शिव का अवतार बताता है। नित्यानंद का दावा है कि वो अमर है। इतना ही नहीं, उसका यह भी कहना है कि वो सूर्य को उगने तक से रोक सकता है और इसके साथ ही वो अपनी तीसरी आंख से अंधे लोगों को भी आंखें दे सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठने वाले नित्यानंद के भक्तों की संख्या लाखों में है, सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी, जिसके एक सेक्स टेप ने देश में हड़कंप मचा दिया था। इस भगोड़े बाबा का दावा है कि इसने कैलाशा नाम के एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया है, जिसका राष्ट्रीय पशु नंदी है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तमिलनाडु के छोटे से गांव का लड़का राजशेखरन कैसे बना नित्यानंद परम शिवा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या है कैलाशा का सच। सो द मी resides in this as me, is residing in all of that as me, so that me through this me talking to me. I got little late for the Dhwajarohan. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the Dhwajarohan. When I close my eyes or blindfold, if I concentrate on third eye, I fall into samadhi where I can see the whole universe. E equal to not MC square, cannot be MC square. Money doesn't matter. I'm here representing the United States of Kailasa. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और ये बात है साल 1977 की, जब चेन्नई से करीब 196 किलोमीटर दूर बसे तिरुवन्नमलाई में एक किसान परिवार में अरुणाचलम राजशेखरन का जन्म होता है। बचपन से ही राजशेखरन को अध्यात्म में भी काफी ज्यादा रुचि थी और सिर्फ 3 साल की उम्र में इसकी मुलाकात होती है योगी राज योगानंद पुरी जी से। बचपन से ही इन्होंने राजशेखरन को वेद पुराण और आयुर्वेद का ज्ञान देना शुरू कर दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही राजशेखरन के गुरु की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनसे सीखे हुए सारे ज्ञानों को इसने लोगों के ऊपर आजमाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो तमिलनाडु के अस्पतालों में जाकर लोगों के ऊपर छोटे मोटे चमत्कार किया करता था और अगर कोई उन चमत्कारों से ठीक हो जाया करता था तो उन सब का क्रेडिट वो खुद ही ले लिया करता था और इस तरीके से उसने अपने भक्तों की एक बड़ी फौज बनानी शुरू कर दी। साल 2002 में सिर्फ 24 साल की उम्र में राजशेखरन ने अपना नाम बदलकर नित्यानंद परम शिवा रख लिया। उसका ऐसा कहना था कि जब मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था तो एक तपस्वी ने उनका नाम नित्यानंद रख दिया, जिसके बाद यही नाम पूरे देश में प्रचलित होने लगा। नित्यानंद ने साल 2003 में बैंगलोर में ध्यानपीठ आश्रम की शुरुआत की और ये बहुत ही जल्द पॉपुलर होने लगा देश में, जिसका पीछे राज था कि ये तमिल और इंग्लिश में अपनी स्पीचेस दिया करता था, जिस वजह से बहुत सारे फॉरनर्स इससे जुड़ते गए और इसने जल्द ही अमेरिका में भी अपना एक आश्रम की शुरुआत कर दिया। इसके बाद नित्यानंद ने अपने भक्तों में और ज्यादा आस्था जगाने के लिए उनके सामने कई बड़े दावे किए, जिसमें उसने ये भी कहा कि उसने सूर्योदय को करीब 40 मिनट तक रोक दिया है। इसके साथ ही उसने ये भी बोला कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जिस वजह से वो गाय को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा देगा। इसके साथ ही उसने कहा कि वो एनर्जी के फॉर्मूले E=MC² को भी वो गलत साबित कर सकता है। नित्यानंद का ऐसा दावा था कि उसके पास करीब 400 से ज्यादा सिद्धियां हैं और उसने अपने भक्तों को 60 से भी ज्यादा पावर सिखा दिया है, जिसमें कुंडलिनी विद्या, तीसरी आंखें खुलना, ये सब कुछ शामिल था। उसका यह भी कहना था कि मेरे भक्त दीवार के एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, इसके साथ ही वो एक जगह से दूसरे जगह बिना चले ही जा सकते हैं। इसके साथ ही उसने एक बार यह भी दावा किया कि उसने 82 से ज्यादा अंधे बच्चों को आंख में सिर्फ रोशनी दिया अपनी तीसरी आंखें खोल के। इसके साथ ही नित्यानंद अपने भक्तों को ब्रह्मसूत्र, पतंजलि योग सूत्र, शिवा सूत्र और भागवत गीता के भी उपदेश दिया करता था। साल 2012 में नित्यानंद को माइंड बॉडी स्पिरिट मैगजीन के द्वारा 100 मोस्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंशियल लोगों में भी शामिल किया गया और साल 2013 में नित्यानंद को पंचायती अखाड़ा के द्वारा महामंडलेश्वर की भी उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही नित्यानंद अपने भक्तों को कई सारे योगा के भी टेक्निक सिखाया करता था, जिसमें रोप योगा और पोल योगा में उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लोगों को लगता था कि नित्यानंद आत्मा को परमात्मा से जोड़ा करता है, जिस वजह से कई लोग उसके आश्रमों में ही जाके बस गए। लेकिन आश्रम में आने से पहले लोगों को कई सारे एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता था, जिसमें यह साफ साफ लिखा होता था कि आश्रम में होने वाले एक्टिविटीज को वो किसी को नहीं बता सकते हैं। उनको एक नॉन डिस्क्लोजर सेक्सुअल एग्रीमेंट पे भी साइन करना होता था। आश्रम में लोगों को सेक्स से ये कहकर जोड़ा जाता था कि इससे वो परमात्मा के और ज्यादा करीब आ जाएंगे। नित्यानंद का जादू कुछ ऐसा था कि कई लोग अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करके उसके अनुयायी बन गए। लेकिन साल 2010 जब नित्यानंद अपनी ऊंचाइयों पे था, उसी समय एक सन टीवी नाम के न्यूज चैनल पे एक वीडियो टेलीकास्ट होता है, जिसमें नित्यानंद एक एक्ट्रेस रंजीता के साथ पाए जाते हैं, जिसके बाद पूरे देश में एकदम हड़कंप समझ गया। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाता है और नित्यानंद के सेक्सुअल वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई और नहीं था, उनका ड्राइवर लेनिन करुप्पन था, जिसने नित्यानंद से बदला लेने के लिए ये वीडियो शूट किया था। नित्यानंद और रंजिता ने यह क्लेम किया कि यह पूरी तरीके से एक फेक वीडियो है और नित्यानंद ने तो यहां तक भी कहा कि वो बिल्कुल इंपोर्टेंट है, इसका मतलब यह है कि वो सेक्स नहीं कर सकते हैं।
लेकिन इसे कुछ ही दिन बाद एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने ये कंफर्म कर दिया कि ये वीडियो में जो नित्यानंद और रंजिता दिखाए गए हैं ये वीडियो बिल्कुल सच है। इसके बाद नित्यानंद के ही आश्रम में रहने वाली एक महिला आरती राव ने टीवी में आकर नित्यानंद पर कई बार सेक्सुअल असॉल्ट करने का भी आरोप लगाया। वहीं कुछ दिनों बाद नित्यानंद के सोशल मीडिया हेड रही सारा लॉन्ड्री और अमेरिकन सिटीजन रहे जॉर्डन ने भी नित्यानंद पर अमेरिका में सेक्सुअल असॉल्ट करने का भी आरोप लगाया। अभी तक नित्यानंद अपने समर्थकों और अपने पॉलिटिकल पावर्स की वजह से लगातार बचता जा रहा था, लेकिन साल 2019 में तमिलनाडु के कपल ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील किया कि उनके 3 बच्चों को जबरदस्ती बिना उनके नॉलेज में बताए गए इनके आश्रम में लेके गया गया है, जिसके बाद से उनके बच्चे मिसिंग है। इसके बाद 17 नवंबर 2019 को गुजरात पुलिस के पास एक FIR फाइल होती है। उसके बाद इन बच्चों की खोज शुरू होती है और बाद में क्या होता है कि जो 3 बच्चों में से 2 बच्चे थे वो बालिग हो चुके थे 18 साल के ऊपर, और वो दोनों मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से नित्यानंद के पास आए हैं। बाद में उनके फादर का ये भी कहना था कि नित्यानंद ने हमारे बच्चों के ऊपर वशीकरण कर दिया है, जिस वजह से वो वही भाषा बोल रहे हैं जो कि नित्यानंद चाहता है। इसके बाद नित्यानंद के ऊपर जो भी रेप किस्से चल रहे थे उसमें नित्यानंद ने आना बंद कर दिया, और इसके बाद गुजरात पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि नित्यानंद हो सकता है भारत छोड़ के भाग चुका है, और उसकी छानबीन पूरे देश में और देश के बाहर होनी शुरू हो गई। इसके बाद 28 नवंबर को नित्यानंद एक यूट्यूब लाइव पे आता है दोपहर में 1:30 बजे, और वो बोलता है कि बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट में है और मैं हिमालय में कहीं बैठा हुआ हूं। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने क्लेम किया कि नित्यानंद भारत छोड़ के कहीं इक्वाडोर या त्रिनिदाद या टोबैगो के कहीं बीच में एक आइलैंड में बसा हुआ है। नित्यानंद कहाँ है इसकी ऑफिशियली किसी को जानकारी नहीं थी। इसके बाद दिसंबर 2019 में नित्यानंद सामने आता है और वो कहता है कि उसने एक हिंदू राष्ट्र कैलाशा का निर्माण किया है, जिसका वो करेंसी, पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज कर रहा है। नित्यानंद का ऐसा कहना है कि वो एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहा है जिसे कोई भी बॉर्डर्स नहीं है, और दुनिया भर में कोई भी ऐसा हिंदू है जिसको दबाया जा रहा है वो आके कैलाशा में बस सकता है। कैलाशा की वेबसाइट के मुताबिक ये एक हिंदू देश है जिसे आदि शिवा के डिवोटीज ने बनाया है, कनाडा, यूएस और दूसरे देशों में रहने वाले लोगों ने। उनका मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक हिंदू राष्ट्र है जिसमें कोई भी इंसान जो कि जेंडर, कास्ट या फिर सेक्स के अकॉर्डिंग अगर सताया गया है तो वो आके बस सकता है। कैलाशा के अगर हम वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें नित्यानंद को भगवान शिव की तरह दिखाया गया है और सामने नंदी उनकी उपासना कर रहे हैं, और अगर हम कैलाशा के राष्ट्रीय पशु को देखें तो वो नंदी है, राष्ट्रीय ध्वज इनका ऋषभ ध्वज है, राष्ट्रीय फूल इनका कमल है और राष्ट्रीय पेड़ इनका बरगद है। कैलाशा के वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक हिंदू पार्लियामेंट भी बनाया है जिसमें करीब 5 सेक्शन होंगे, जिसमें एक चित सभा होगी, राजसभा, देवसभा, कंग सभा और एक नित्यानंद की सभा। इन 5 सभाओं को वेद और अगमास की नॉलेज से रन किया जाएगा। चित सभा वो होगी जिसमें आध्यात्म पे काफी ज्यादा फोकस होगा, जिसमें दुनिया भर के हिंदू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्यसभा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करेगा जो कि वहां के डेवलपमेंट के लिए रन करेगी। देवसभा एक थिंक टैंक की तरह काम करेगी जो कि पूरे कैलाशा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रन करेगी, और कनक सभा के अंदर इकोनॉमी को बढ़ाने में फोकस किया जाएगा। और इसके बाद आती है नित्यानंद की सभा जिसमें नित्यानंद ये बताएगा कि उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होना है। और फाइनली अगस्त 2020 में नित्यानंद ने रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा की भी शुरुआत किया, जहां पे इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी को अनाउंस किया जो कि कैलाशियन डॉलर होने वाली थी, एक गोल्ड कॉइन होने वाला था। एक कैलाशियन डॉलर को अगर हम समझे तो वो 1 तोला गोल्ड होगा, इसका मतलब है 11.66 ग्राम ऑफ गोल्ड। कैलाशा का ऐसा कहना है कि उनकी जो करेंसी में गोल्ड कॉइन है वो एंशियंट 56 हिंदू नेशन से इंस्पायर्ड है। इसके साथ ही जो इसमें गवर्नर और डायरेक्टर जनरल होने वाले हैं वो कैलाशा के सन्यासी ही होंगे। और दिसंबर 2020 में कैलाशा ने अपना पासपोर्ट भी रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसमें वो 3 दिनों के लिए आप जाके कैलाशा विजिट करके आ सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, फिर वहां पे उनकी एक चार्टर फ्लाइट होगी जिसका नाम गरुड़ है, वो आपको रिसीव करेगी और वो आपको वहां से कैलाशा लेके जाएगी जो कि इक्वाडोर के पास एक आइलैंड में बसा हुआ है। यहां पे उनका कहना है कि वो खाना, रहना आपको सब कुछ फ्री में देंगे, आप आइए, आप उनकी कंट्री घूमिए। 2020-21 में जब कोविड फैला था तो नित्यानंद का ऐसा कहना था कि भारत ने उसके साथ बहुत बुरा किया है जिस वजह से कोविड फैल गया है, अगर भारत उनको पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाता है तो कोविड भारत में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगस्त 2022 में नित्यानंद के एक रिप्रेजेंटेटिव ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात किया कि नित्यानंद की तबीयत खराब है, वो चाहते हैं कि आप एक ट्रीटी साइन कर ले दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसके बाद नित्यानंद का वहां पे आके इलाज होगा और उस इलाज में जितनी भी मशीनरीज खरीदी जाएंगी वो मशीनें हम पूरी तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट को दान कर देंगे। लेकिन अभी नित्यानंद काफी चर्चा में है। यूएन की एक जनरल मीटिंग में एक चमकीली भगवा साड़ी पहने, गले में आभूषण के साथ रुद्राक्ष की माला, सर पे जटाए पहने जब एक यूएन में रिप्रेजेंटेटिव ने बोलना शुरू किया तो सबको लगा कि ये तो भारत की कोई लेडी है जो कि भारत को सभ्यता को दिखाना चाहती है। लेकिन जब उसने बोला तो वो कैलाशा के बारे में बताना शुरू कर दी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा का एक प्रतिनिधिमंडल यूएन के जेनेवा में हुई एक मीटिंग में पहुंच गया, जहां उनकी रिप्रेजेंटेटिव विजय प्रिया नित्यानंद ने इंडिया पर साजिश रचने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि नित्यानंद हिंदू धर्म के सबसे सर्वोच्च गुरु हैं, जिसके लिए उन्हें भारत में सताया जा रहा है, और उसके बाद भारत में एकदम बवाल मच गया। और जब स्थिति बहुत खराब होने लगी तो कैलाशा की तरफ से एक ऑफिशियल उनके ट्विटर हैंडल से एक बात आती है, वो कहते हैं कि हमारे बयानों को भारतीय मीडिया ने तोड़ मड़ो के दिखाया है और यहाँ पे हम भारत की पूरी तरीके से इज्जत करते हैं। इसके साथ ही यूएन का भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये सबमिशन एकदम इनरेलीवेंट है और यूएन की ये कल्चरल और सोशल राइट की कमिटी में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए हमने कैलाशा को पार्टिसिपेट करने दिया, लेकिन यूएन इनके द्वारा दिए गए बयानों को कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसके साथ ही न्यूयॉर्क सिटी के करीब 30 शहरों ने कैलाशा के साथ सिस्टर सिटी का एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ये रिवोक कर दिया और बोला कि नित्यानंद ने हमको स्कैम किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन कैलाशा को एक सेपरेट कंट्री के तरह एक्नॉलेज करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ हमें समझना होगा कि मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन ऑफ 1933 के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को अगर एक सेपरेट कंट्री के तरह एक्नॉलेज होना है तो उनके में चार क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। पहला, उस कंट्री के पास एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही उस कंट्री की टेरिटरी भी डिफाइन होनी चाहिए, मतलब कंट्री के बॉर्डर्स कहाँ पे हैं। तीसरा जो बड़ा चीज़ है, उस कंट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे कंट्री की एक पार्लियामेंट जैसी कुछ होनी चाहिए, वहाँ का एक होम मिनिस्ट्री होनी चाहिए और कंट्री के पूरे लॉज होने चाहिए। और चौथी चीज़, उस कंट्री के वायलेंस को देखा जाता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं है। अब यहाँ कैलाशा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती है, या कैलाशा एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, कैलाशा की करेंसी एग्जैक्टली है क्या, क्या वो रूपी में डील करते हैं, वो डॉलर में डील करते हैं, वो किस चीज़ में डील करते हैं, ये कुछ नहीं पता है किसी को। तो यहाँ पे कैलाशा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में ये भी कहा था कि हम कैलाशा को एक सेपरेट कंट्री की तरह नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो कैलाशा अब एक माइक्रो नेशन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम ही एक कंट्री हैं। अब यहाँ पे खुद ही एक कंट्री बताना और यूनाइटेड नेशन में बताना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन आपको रिकॉग्नाइज करता है तो उसके बाद आपको फंड्स मिलना काफ़ी ईजी हो जाता है, आप कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 1947 से ही ताइवान के पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके साथ ही उनके पास करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी आज तक यूएन ने उनको एक सेपरेट कंट्री की तरह नहीं एक्नॉलेज किया है। ऐसे ही अगर हम फिलिस्तीन को देखें तो उसको इंडिया एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करता है, बाकी कई सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन यूएन उसको एक अलग कंट्री नहीं मानता है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन की शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुई थी, ताकि कंट्रीज के बीच में एक पीस बना रहे। जब उनकी शुरुआत हुई थी तो उस समय 51 कंट्रीज ही यूनाइटेड नेशन में शामिल थे। इसके बाद नए नए कंट्रीज बनते गए, कुछ कंट्रीज आपस में अलग होते गए। अगर हम 1947 में देखो तो इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, 1971 में उसमें से बांग्लादेश भी अलग हुआ, तो यहाँ पे कई सारी कंट्रीज और जुड़ती गई। तो आज अगर हम देखें तो यूएन के पास करीब 193 कंट्रीज, और अगर अभी हम लेटेस्ट देखें तो 2011 में साउथ सूडान यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ है आखिरी कंट्री। यहाँ पे एक सवाल अभी भी आता है कि यूएन में कैसे कोई कंट्री शामिल होती है। तो सबसे पहले तो वो चार क्राइटेरिया आते हैं जिसके बारे में हमने बात किया, कि एक उनकी स्पेसिफिक पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसके साथ ही वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद क्या होता है कि कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन और सारी डिटेल्स यूएन में अप्लाई करती है मेंबरशिप के लिए। इसके बाद वो सारे एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है यूएन सेक्रेटेरिएट, कि उसमें सारे जो डिटेल्स दिए गए हैं वो फैक्ट सही हैं या गलत हैं। इसके बाद उसको भेजा जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें करीब 15 मेंबर्स हुआ करते हैं। इसके बाद अगर वो भी सेटिस्फाइड होते हैं तो वो एप्लीकेशन को यूएनजीए में भेजा जाता है, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसके ऊपर वोटिंग होती है, और अगर उस वोटिंग में वो कंट्री पास होती है उसके बाद ही उस कंट्री को यूनाइटेड नेशन के मेंबर की तरह शामिल किया जाता है। तो इतना बड़ा पूरा प्रोसेस है जो कि कैलाशा आज नहीं तो अगले 50 साल में भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत सरकार नित्यानंद को जरूर उनके कैलाशा कंट्री को बंद करते हुए वापस भारत में जरूर लेके आएगी, और उनको जेल में भी डाला जाएगा, उनके ऊपर केस भी चलेगा। यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि भारत एक संतों का देश है, जहाँ पे अध्यात्म को सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कहा जाता है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं नित्यानंद जैसे, जिनकी वजह से भारत का नाम भी खराब होता है। और अगर आपको कोई सही संत भी मिलता है तो आप उसके ऊपर भी शक करते हैं, क्योंकि आपने नित्यानंद और आसाराम बापू जैसे कई सारे लोगों को देखा हुआ है। तो आप जरूर भारत में संतों के ऊपर शक मत करिए, लेकिन उनको देख और समझ के उनके ऊपर भरोसा जरूर करिएगा। इससे आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल सकती है, अगर संतों का आशीर्वाद आपको सही तरीके से मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।